सो हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग। गाइस, आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ओप्पो A9 2020 एडिशन के कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉयड 10 सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में। जी हां दोस्तों, यहां पे ओप्पो A9 के यूजर्स काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास है ओप्पो A9 डिवाइस, तो आपके लिए यहाँ पे फाइनली कलर ओएस 7 का अपडेट जो है वो रूलिंग आउट स्टार्ट हो चुका है एंड्रॉयड 10 के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग अपडेट अभी तक देखने के लिए नहीं मिला आप लोगों के डिवाइस में, तो आप लोग अपडेट कैसे पा सकते हो और यहाँ पे कब तक सभी यूज़र्स को अपडेट देखने के लिए मिलने वाला है और कितने बैचेस में यह अपडेट को रिलीज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन आज की इस नई वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, फ्यूचर में अपडेट से रिगार्डिंग वीडियोस मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ओप्पो यहाँ पे काफ़ी दिन से A9 2020 एडिशन को डिले कर रहा था कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉयड 10 अपडेट देने में, बट यहाँ पे फाइनली A9 2020 एडिशन के लिए कलर ओएस 7 प्लस एंड्रॉयड 10 का ट्रायल वर्जन अपडेट रोलिंग आउट स्टार्ट हो चुका है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि ओप्पो की तरफ से यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आ रही है कि यह जो एडिशन है वो अनलिमिटेड है या फिर लिमिटेड एडिशन है। बट उससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने फ़ोन के अपडेटेड ऐप में जाइए, उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोगों को ट्रायल वर्जन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली उस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म आएगा, आप लोग उसे फिल कर देते हो तो कुछ ही घंटों बाद आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बात करें सभी यूज़र्स को अपडेट कब तक मिलेगा, तो गाइस सभी यूज़र्स को जो अपडेट मिलने वाला है वो एंड मई तक देखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज अब हम बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को यह अपडेट देखने के लिए नहीं मिला, उन लोगों को अपडेट कब तक मिलेगा या नेक्स्ट ट्रायल वर्जन का अपडेट कब तक मिलने वाला है। तो गाइस, नेक्स्ट ट्रायल वर्जन का अपडेट जो आप लोगों को है वो यहाँ पे इंड अप्रैल में देखने के लिए मिलने वाला, यानी कि मान लीजिए 30 अप्रैल को आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, 29 अप्रैल को देखने के लिए मिल सकता है। अगर देखने के लिए नहीं मिले तो आप लोगों को स्टार्टिंग मई में फिर सेकेंड बैचेस का अपडेट रूलिंग आउट स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोग अप्लाई करके अपडेट पा सकते हो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मुझे आपको बस इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, फ्यूचर में अपडेट से रिगार्डिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी।